जी शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है कि तब्दीली सरकार भी पंजाब हुकूमत में तब्दीली के जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर सकी। वर्दी भी बदल गई है पंजाब पुलिस की, लेकिन तफ्तीश करने के तरीके नहीं बदले। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चंद रोज़ कबल जमालपुर रोड पर एक रक्शे पर जो गरीब खवातीन मजदूरी करने के लिए जा रही थी, उनके रक्शे पर फायरिंग की गई की कुछ गुंडों ने, लेकिन ताहाल वो गुंडे अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। जिस पर यहाँ पर जो अहले इलाका है और जो खवातीन है वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो जिन लोगों ने फायरिंग की वो कौन लोग थे और पुलिस ने उनकी सुनवाई की या नहीं की। जी आप ये बताइएगा वो कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की। सर बात ये है कि ये औरतें बहुत गरीब हैं और जाती हैं काम, जहाँ भी इनको काम मिल जाए वहाँ करने जाते हैं। ये दरअसल उधर जा रही थी कैमपुर के आगे जमालपुर शहर, तो रास्ते में एक हवाम से औरतें जहाँ गुजरी हैं, तो एक बाइक वाले आए हैं और हवाम से निकले हैं, उनके पीछे बाइक की है और कभी इधर लड़कियों के साथ बदतमीजी करते रहे हैं। लेकिन दरअसल तंग आके लड़कियों ने उनको बदतमीजी किया है कि उनको लानते दिए जो भी किया है, लेकिन उन्होंने आगे पीछे करके साथ ही आके उनने फायरिंग किया, चाहे साइड पे किया या सीधी किया है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं बना। लेकिन उधर ही रोक के इन्होंने 15 पे कॉल की, ना पुलिस आई पहुँची मौके पे ना कुछ। और जब इधर थाने आए थाने वालों ने बदतमीजी की, लेकिन फिर उधर गए वहाँ जहाँ मसला बना, मौके पे पहुँच के उन्होंने एक गोली चा ली खाली, तो फिर उन्होंने दो बंदे पकड़े हवाम वाले जहाँ से वो मोटरसाइकिल वाले निकले हैं, वो थाने में ले आए, थाने में आके उन लोगों को उन्होंने शाम तक रखा, फिर उनको छोड़ दिया है। लेकिन अभी तक वो कोई मसला हल नहीं कर रहे। जब थाने में जाते हैं कभी कहते हैं SHO नहीं, कभी कहते हैं कोई नहीं है, यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं। जब कौन से थाने की हदूद लगी, ये कैमपुर थाने की हदूद है, जब भी जाते हैं कोई SHO नहीं मिलता है, ना कोई थानेदार मिलता है, कोई भी नहीं होता, ये कोई शेड्यूल नहीं है। और कितने दिन हो गए इस वक्त को? ये जुमे रात वाले दिन है, कम से कम 6-7 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से, 4 दिन। और फर्स्ट टाइम 7 बजे का टाइम है, जुमे रात को फर्स्ट टाइम 4 बजे का टाइम। अब आप क्या मुतालबा करते हैं? अब हमारा मुतालबा ये है कि ये बेचारियाँ गरीब हैं, ये काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, इनके हर तरह के यहाँ गरीब हैं, बेवा हैं, और इनके घर वाला कोई नहीं है काम करने वाला, इनका ना भाई है ना बाप है, ये कहीं भी जाके काम कर सकती हैं, लेकिन फिर भी इनको तंग कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि ये ख़त्म कर दें मसला जो भी है दरख्वास्त वगैरह, लेकिन ये गरीब हैं। तो मेहरबानी कीजिए, जब थाने में जाते हैं तो वो बदतमीजी करते हैं कि कहते हैं कि ये लड़कियों खुद हमें बंदे दें, ये खुद बुलवाती हैं लड़की, इनके पास मोबाइल हैं, तो लेकिन इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होती तो लड़कियाँ उनको तंग ना करती और ना उन्हें कोई ऐसी बदतमीजी करती। नाज़रीन, फायरिंग की वजह से इलाके में खौफो हरास फैल गया और 15 की कॉल पर पुलिस भी नहीं पहुंची और जो मुतासरीन हैं उनकी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया जा सका है। इस वक्त हमारे साथ खवातीन भी मौजूद हैं जो मौका पर मौजूद थीं जिनके ऊपर फायरिंग की गई, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी खाना जी, तुम की कहोगे? चोर निकले हैं ते ओ जड़े न पाया आते ते कदे आगे मोटरसाइकिल कर लेंगे, कदे पीछे कर लेंगे, कदे पीछे कर लेंगे। कुड़ियां ने उन्होंने लानता दी, उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, साड़ी कोई नहीं सुनता, साड़ी कार्रवाई की जाए, हमारी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ख़वातीन ये भी कह रही हैं कि जब हम थाने में गए हैं 2-3 बार तो पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारी किसी किस्म की कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी है, तकरीबन 8 दिन का वक़्त गुजर चुका है। ये इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये थाना कायमपुर की हदूद का वाक़िया है, हमारे साथ कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी खाना, तुम्हें क्या कहोगे इस हवाले? अस आखते हैं बेचारे बंद ने सू वाकया किया, सू डर लगता अज ही उन्होंने इवें किया वाकया, तो सारे बंद बकरीन ने चाहिए नहीं, अस ही कुछ चाहिए सू हूँ भी डरावे देंगे नहीं, मारते हैं, कार्रवाई पूरी करो, साड़ी कोई जिमें रशका जाता कोई 4 बंदे होर हल्के गोली चलावन, चाहे गरीब बंद का कौन आ, साड़ी गल नहीं सुनते। दोबारा भी कोई धमकी दी? हाँ जी, अज ही आए नहीं, कच्ची टेंशन को आख रहे अज ही आखते तुम लत्त भान देवे, तुम चक लावे, बच्चिया होंगे तेन पता, फिर इवें डरावे डरूवे देंगे रहे, मुँह शेर सिर अज बलेटे हुए हैं, उदा तो मुँह सिर को नहीं बलेटे, अज बलेटे हुए हैं।
हम गरीब खवातीन हैं, अपने बच्चे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इनमें से कुछ बेवा खवातीन भी हैं जो मेहनत मजदूरी करके जो झोना लगाकर अपने बच्चों का पेट पालती हैं। उनका यही कहना है कि पुलिस हमारे साथ किसी किस्म की कोई कार्रवाई, हमारे जो मुलजमान हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, और मुलजमान ने आज फिर हमारे रक्षे के पीछे आकर हमें धमकियां दी हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रक्षा ड्राइवर भी मौजूद हैं जो इन ख़वातीन को उस मजदूरी पर लेकर जाते हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई जान, तुसी की आँख हो गया इस हवाले कार्रवाई चल जाएगी, कार्रवाई चाहिए। आज सानू फिर धमकी लाई, सुबह ही लाई है, 7:30 बजे मूँह लेटा जी काले रंग का वांटो पे धमकी लाने, कहते थोड़ी लत्त फड़ देंगे, पैर मार देंगे, तुम्हें करूँ चुक लेंगे, कार कितने चले गए। सानू कार्रवाई चाहिए। तुसी थाने की इतलाह दी? काले अच्छ तलाक उन्हें दी, पहले दीती सी? पहले दीती सी। कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। 15 तक कॉल की थी? तुसी मौके से हो? हाँ जी मौके से। कितने फायर किए उन्होंने? दो फायर किए। हाँ जी, एक चौक दिता सी, एक हवाई फायर किया सी, एक सामने किया सी रक्षे में। तुसी थाने गए सी? सर्द गए सी। कई बार गए थाने गए हो? तफ्तीशी ने की गल की? तफ्तीशी साड़ी गल ही नहीं सुनता, कहना थोड़ी कुड़ियों च रौला, कुड़ियाँ एक मोबाइल फोन कर रही सदानियाँ, तो कुड़ियों च रौला, कुड़ियाँ बंदे देनगियाँ। अच्छा, क्या तफ्तीशी कौन सी? शबीर शाह। की आखदा है? वो कहना थोड़ी कुड़ियों च रौला, तो साड़ी इज्जत का सवाल है, साड़ी इज्जत बिलकाफ बोल दिया। हमारी इज्जत का सवाल है। नाज़रीन, बजाय मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने के, तफ्तीशी अफसर जो है शबीर शाह हमारी जो बच्चियों को है उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, यही कहना है यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं इनका। और वो ये भी मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि हमारे मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जो इलाका में फायरिंग करके जिन्होंने खौफ की फिजा पैदा की है ताकि हम पुरअमन तरीके से अपनी मजदूरी करने के लिए जा सकें। जी निशात न्यूज़ रखे आपको बाखबर।